रुको तो फरा, रुको, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो फरा। मुझे नहीं सुननी कोई बात। सारी जिंदगी तुम्हारे यही बहाने में सुनती रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। मेरे कजन की शादी है और मुझे वहाँ जाना है। मेरे सारे कजन, मेरे सारे बहन भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे वहाँ पे, और मैं वहाँ गरीबों की तरह जाऊंगी। अरे मैं ये कब कह रहा हूँ कि पैसे नहीं दूंगा, दे दूंगा। जरा मेरी मजबूरी को समझो, एक दिन की बात है, बस कल तक रुक जाओ, कल तक मेरा काम हो जाएगा, दे दूंगा पैसे। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। हमेशा से तुमने झूठ ही बोला है मुझसे। पछताती हूँ उस दिन को जब मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे पास कभी कोई पैसे ही नहीं होते मेरे लिए। मुझे एक दिन और नहीं रहना तुम्हारे साथ। रोज रोज के तुम्हारे एक ही जैसे बहाने होते हैं। तुम ऐसा करो तो मुझे तलाक दे दो। पागल हो गई हो तुम? तलाक दे दो, दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। पागल हो? मैं कह रही मेरा हाथ छोड़ो। जाहिल इंसान, जो कुछ तुम लेके आना तुम्हें सब बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। बताऊंगी तुम्हें अब मैं। पागल हो गई औरत, बिल्कुल पागल। समझ क्या रखा तुमने अपने आप को? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। बेवकूफ बनाता चला जा रहा है। समझता क्या? मेरी बात क्या हुआ? अंकल ने फिर कुछ कहा आपको? आज फिर उस जलील इंसान ने वही किया जो हमेशा करता है। मैं अपने भाइयों से कहकर इसको सीधा करवाऊंगी। हशर कर देंगे वो इसका, छोड़ेंगे नहीं। अरे आंटी आप अभी गुस्से में, मेरी बात सुन। मियां बीवी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। पहली दफा थोड़ी किया है उसने, हमेशा यही करता। जब भी उसे किसी चीज की डिमांड करो उसके एक ही जैसे जवाब होते हैं। पछताती हूँ मैं उससे शादी करके। अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाकर मैंने इससे शादी की और आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आंटी मैंने कहा ना अभी आप गुस्से में, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। हम बैठ के इस बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करें। मुझे कुछ नहीं सोचना, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। जिस पे गुजरती है ना बस वही जानता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी आप परेशान मत, आप मेरे साथ घर चले। चले ना, चले मेरे साथ आप, मैं आपको कह रही हूँ, चले आप मेरे साथ। जल्दी आ गया? हाँ यार काम खत्म हो गया। अस्सलामुअलैकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम। आज जबरदस्ती के मेहमान बन गए मैं आपके। ऐसी बात नहीं है, आपका अपना घर है, आप जब चाहें आएं। बस एक दिन की बात है, आप मुझे बर्दाश्त कर लें। आज मैं आपके यहाँ ही रुकूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप मकान मालिक हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे घर में चूहे बहुत हैं। मेहमान को भगाने के लिए चूहों से डरा रहे? अरे मैं सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं अतीक साहब, मैं रह लूंगी। चलें आप बैठें। सानिया जरा आना। आ रही हूँ। जाओ, मियाँ बुला रहा है ना तुम। जी अतीक, आप कुछ कह रहे थे? खैरियत तो है ही है। आंटी आज हमारे घर में क्या कर रही है? दरअसल वो आंटी की अपने शोहर से लड़ाई हो गई है। अंकल ने उनको काफी बुरा भला कहा। बिल्कुल ठीक किया अंकल ने। मैंने कई बार आंटी को अंकल से बदतमीजी करते देखा है। अंकल बहुत शरीफ आदमी है। मुझे तो ये आंटी सच पूछो तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती। गली में आते जाते वो मुझे भी मुस्कुरा कर देखती है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक दिन से ज्यादा वो इस घर में ना रुके। अच्छा ठीक है, चली जाएंगी वो। आप अपना मूड ना खराब करें, मैं आपके लिए खाना लगाऊं? पहले आंटी को दे दो फिर मैं खा लूंगा। कल जाकर अंकल से इस बारे में बात करता हूं। डॉक्टर साहब इतना क्यों खफा है? मियां बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, 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 सर डेथ कुछ देर पहले ही हुई है, तकरीबन 2-3 घंटे पहले, एंड आई एम श्योर कि ये जहर के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कौन सा जहर है ये लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सर मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। हाँ अलबत्ता सर एक खाने की ट्रे मिली है जो बाहर है और उसमें कुछ खाना बचा हुआ है, मेरा ख्याल है कि जहर उसी में है। ठीक है मुझे ये बताओ कि अब घर में कौन कौन मौजूद है। सर इनकी फैमिली में तो आई गेस बच्चे नहीं है, लेकिन इनकी एक वाइफ है जो कि बाहर बैठी है। राइट। सर मुझे नहीं लगता कि ये खातून अपने शौहर का मर्डर कर सकती हैं। यही तो खूबसूरती है ना हमारे पेशे का, कौन सा चेहरा चेहरा और कौन सा चेहरा नकाब। जी मिस फरा, जब आपके खामिन का इंतकाल हुआ था तो आप उस वक्त कहाँ थी? घर पे नहीं थी मैं, लड़ाई हुई थी मेरी उनसे, नीचे कराएगार है कमेंट के घर चली थी, अपने ऑफिस भी मैं वहीं से गई थी। आप लोगों के घर पे कोई आता जाता है या किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं कोई नहीं आता जाता, मेरे शहर को किसी का आना जाना पसंद नहीं था। ये सब तो लैब रिपोर्ट के आने के बाद ही साबित होगा, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि उनकी मौत जहर खाने से हुई है। और जहर खाने में मिलाकर दिया गया है। किसने दिया खाना? कौन मारना चाहते मेरे शौहर? किससे दुश्मनी थी मेरे शौहर से? देखिए सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही हमारी टीम यहाँ आई है, लेकिन सबकी इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अली जारा बॉडी ले जा चुकी है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। अच्छा वो दरवाजा किसने खोला था? सर अतीक नामी शख्स ने, वो इनका किराएदार है। अतीक? एग्जैक्टली टाइम क्या था? 11:30 बजे मैं जॉब के लिए जा रहा था तो सोचा अंकल से बात करता चलूं। किस बारे में? वो अंकल का झगड़ा हुआ था आंटी से तो वो हमारे घर आ गई थी। तो आपको उनकी वाइफ से कोई मसला था? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मिस्टर अतीक, ये एक मर्डर केस है, आप कुछ भी छुपाएंगे तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए सर असल में आंटी का बिहेवियर थोड़ा सा बेतकल्लुफ होता है इस वजह से। और मर्द होते हुए आपको ये बात बुरी लगी? मर्द हूँ बेवकूफ नहीं, आंटी का घर पे रुकना मेरे लिए अनकंफर्टेबल सा होता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा सुबह उठते ही डायरेक्ट अंकल से बात करूं ताकि अंकल और आंटी का पैचअप करवाऊं ताकि वो अपने घर जा सके। सर रिपोर्ट्स आ गई हैं, डॉक्टर अदील की मौत जहर खाने से हुई है। ओके और घर की डिटेल? सर फ्रेश फुटप्रिंट सामने आए हैं, डॉक्टर अदील के हैं, उनकी अहलिया के हैं और अतीक के हैं। थैंक यू मिस्टर अतीक, आप फिलहाल जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर वैसे यकीन नहीं होता कि ऐसे मर्द भी मौजूद हैं। वाकई
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है आपने मैसेज, बिकॉज उंगलियों के साथ एक अंगूठा भी होता है। अली इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो ताकि पता चले कि अतीक इतना अनकंफर्टेबल क्यों था फरा के वहां पे रहने से। और हाँ, फरा के ऑफिस से भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। ठीक है सर, मैं डिटेल्स लाता हूँ। ईशा, डॉक्टर दील की किरायेदार है सानिया, उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मिस सानिया, मुझे डॉक्टर अदील के मर्डर के केस में आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। जी, मुझे बस उनकी डेली रूटीन की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बात तो सारी बिल्डिंग वाले जानते थे कि दोनों मियां बीवी में झगड़े होते रहते थे। कतल से एक दिन पहले भी दोनों में बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। आंटी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो कह रही थी कि बस मुझे तलाक दे दो, और इस बात पे अंकल ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके बाद वो आपके घर आ गई। अच्छा नहीं लगता क्योंकि 5 साल से हम उनकी बिल्डिंग में रह रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। रात में आपके पास रुकी और सुबह अपने ऑफिस चली गई। जी हाँ। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अब आप जा सकती हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। जी जरूर। देखिए अली साहब, वैसे तो हर ऑफिस में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मिस फरा हमारे ऑफिस की बहुत ही काबिल और एक्टिव वर्कर हैं, लेकिन उनकी सबसे बुरी बात यह है कि वो हर वक्त किसी ना किसी से लड़ती रहती हैं। और क्या जानते हैं आप? घर से ज्यादा वो ऑफिस में रहना पसंद करती हैं। एक एम्प्लॉय है हमारे ऑफिस में जो कि 5 साल उनसे छोटा है, काफी अटैच है उनसे। अब अल्लाह जानता है कि अफेयर है या कुछ और। क्या नाम है इन साहब का? सलमान साकिब, जूनियर ऑफिसर है। ठीक है, तो फिर आप मुझे सलमान साकिब से मिलवा दें। एक्चुअली 2 दिन से सलमान साहब और मिस फरा दोनों ही ऑफिस नहीं आ रहे। तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे ये सलमान साहब का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दे दीजिए। जी नोट करें। कैसे हैं सलमान साहब? जी मैं ठीक हूँ, आपकी तारीफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अली। जी कहिए, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? ताज्जुब है सलमान साहब, मैं समझ रहा था कि आपको तो मालूम होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आपके रकीब के मर्डर के केस के सिलसिले में। कौन सा रकीब? कैसा रकीब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब इतने भी अनजान मत बने सलमान साहब, डॉक्टर अदील बेचारा फरा का हस्बैंड था। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए तो इन्वेस्टिगेशन रूम सजाया कुर्सी और टेबल के साथ, चलें। मिस्टर सलमान, आपको यहाँ क्यों लाया गया है? इसकी वजह कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एक मैरिड औरत के साथ इन्वॉल्व थे जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और आप उस एन मौके पर आप और मिस फरा दोनों लापता थे। मिस फरा सानिया के घर से ही ऑफिस है, जबकि वो और आप दोनों ही ऑफिस नहीं पहुंचे। और जब तक आप सबूतों के साथ ये साबित नहीं करेंगे कि आप कहां पे थे, मैं आप दोनों को कातिल समझूंगा। मैं तो हैदराबाद में था। ऑफिस से लीव लिए बिना आपको हैदराबाद जाना पड़ गया, ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा था? मेरा ख्याल है कि आपने अली की बात गौर से नहीं सुनी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मुझे फरा की कॉल आई। इस मुसीबत का फोन कहां से आ गया? हेलो सलमान, कहां तुम? ऑफिस जा रहा हूं। नहीं, फौरन इधर आओ। क्यों? हम अभी और इसी वक्त हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद? मगर क्यों? मुझे इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी। फरा, ऐसे जज्बाती होने की क्या जरूरत है? अपनी अम्मी के घर चली जाओ, अब हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है? अम्मी के घर गई तो ये शख्स वहां भी पहुंच जाएगा, और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। देख लो फराद, सोच लो। क्या देखना है? बस मैंने कह दिया ना, तुम फौरन आओ और पैसे भी लेकर आना। मेरे पास पैसे नहीं है,
अभी तो सैलरी भी नहीं मिली। क्या मतलब पैसे नहीं है? तुम्हारी ना बीवी ना बच्चे, एक बूढ़ी माँ है, कहाँ जाती है तुम्हारी आमदनी? बस मुझे नहीं पता। तुम फौरन पहुंचो और पैसे भी लेकर आओ। हम इस कॉल को जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे जहाँ पे आपकी और फरा की बात हुई। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं फरा से इन्वॉल्व हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों ने मिलकर डॉक्टर अदील को रास्ते से हटाने का प्लान किया हो, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। उस औरत के साथ तो 2 घंटे बिताना भी बहुत मुश्किल है। तो ये मोहब्बत के किस्से सब अफसाने हैं। फरा के करीब आना मेरी मजबूरी थी। फरा की ऑफिस में बहुत चलती थी, मैंने सोचा मैं उसके करीब आऊंगा तो मुझे तरक्की आराम से मिल जाएगी। शक्ल से तुम इतने अकलमंद नहीं लग रहे जितने तुम बन रहे हो। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सानी ने भी हमें यही बताया कि कत्ल से एक दिन पहले उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का कोई बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ था। सर, हमने डॉक्टर अदील, फरा और सलमान के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। एनी प्रोग्रेस? जी सर, फरा का सलमान से चक्कर है, ये बात ही हमें बता चुका। और एक बात और, फरा की अतीक के साथ भी मैसेज विवाद होती रहती थी। मिस फरा अतीक के साथ भी इन्वॉल्व थी? और हाँ, एक बात और, डॉक्टर अदील ने किसी फरहान नामी शख्स से 5,000 रुपए उधार लिए थे और उस दिन देने का वादा किया था जिस दिन उनकी डेथ हुई है। बस यही आदत थी डॉक्टर अदील की, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, हमेशा पैसों के लिए रुलाता था। फरा से भी अक्सर इसी बात पे झगड़ा होता रहता था। तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा कैसे मालूम है? भाई, शादीशुदा औरत से रिलेशन रखना था, उसके फजूल के दुखड़े तो सुनने ही थे। अले, फरहान साहब को कॉल करके सारी डिटेल्स ले लो। ओके सर। और अब हम ये भी देखते हैं कि फरा के दुखड़े क्या है। आप डॉक्टर अदील की मौत वाले दिन सुबह ही सुबह हैदराबाद चली गई, इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है। मेरा अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे बहुत दूर चली जाऊं। आम औरतें ऐसे मौकों पर अपनी माँ के घर चली जाती हैं, मगर हाँ जरूर जाती हैं, लेकिन अगर मैं वहां जाती ना तो अदील वहां आ जाते और मेरी माँ उनकी बातों को सच मानती और मेरी बातों को गलत। हमने आपकी कॉल रिकॉर्ड चेक की हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं भी साबित नहीं हो रही कि आप डॉक्टर अदील के कत्ल में इन्वॉल्व हैं। लेकिन बहरहाल आपने गुनाह तो किया है। लेकिन मैं अपने शौहर का कत्ल करने का कभी सोच भी नहीं सकती। सर, डॉक्टर अदील के दोस्त से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अदील ने उनको 5,000 रुपए वापस करना थी, क्योंकि डॉक्टर अदील ने यह कहा था कि प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी हो जाए तो वो उनके पैसे वापस कर देंगे। प्राइस बॉन्ड? आपको मालूम है इन प्राइस बॉन्ड्स का? उन्हीं पे तो हमारा झगड़ा हुआ था। कितने प्राइस बॉन्ड्स थे? अदील को किसी ने 20 प्राइस बॉन्ड्स दिए थे। किसने? मुझे नहीं पता। हमारा झगड़ा इसी बात पे हुआ था, मैं उनसे कह रही थी कि आप प्राइस बॉन्ड कैश करवा लें और वो प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी का वेट करना चाह रहे थे। आपको उन प्राइस बॉन्ड्स के नंबर याद है? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 20 प्राइस बॉन्ड थे। अली, नेशनल बैंक जाओ और वहां पे चेक करो कि इस महीने के कौन से प्राइस बॉन्ड्स निकले थे, जरूर हमें हमारा कातिल मिल जाएगा। ओके सर। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे दोबारा यहाँ क्यों बुलाया है? आप बिल्कुल जान सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो बड़ी दिली खुशी हो रही है कि आपने ये सवाल पूछा है। तुम्हारे 5 करोड़ प्राइस बॉन्ड में निकल चुके हैं। क्या कमाल है, आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने प्राइस बॉन्ड की लिस्ट देखी ही ना हो। देखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं मजबूरी के तहत प्राइस बॉन्ड डॉक्टर अदील को दे चुका हूँ। क्या? और इस मेहरबानी की वजह जान सकते हैं? वो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, डॉक्टर अदील की वाइफ के यहाँ शादी थी तो वो मुझसे पैसे मांग रहे थे, तो मैंने मजबूर होके प्राइस बॉन्ड उन्हें दे दिए। अतीक, तुम वो पहले शख्स थे जिसने हमें डॉक्टर अदील के मरने की इतला दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उठ के तुमने प्राइस बॉन्ड की लिस्ट देखी हो तो तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे प्राइस बॉन्ड्स निकल आए हैं, तुम डॉक्टर अदील के घर गए हो, उनसे प्राइस बॉन्ड्स वापस मांगे हो, जब उन्होंने इनकार किया तो तुमने उनका मर्डर कर दिया हो। मैं डॉक्टर अदील को कत्ल क्यों करूंगा जबकि मैं उन्हें प्राइस बॉन्ड दे चुका था और इनाम के असली हकदार भी अब वही हैं। इसी वजह से मैंने प्राइस बॉन्ड की लिस्ट चेक नहीं की, देखता तो शायद दुख होता। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कातिल 4 दिन से पहले कैश नहीं करवा सकता। जो भी कातिल है उसको 15 दिन के अंदर अंदर
काउंटर पर आकर अपना बॉन्ड क्लेम करवाना होगा। अली, अगर ये चॉइस तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? मैं प्राइस बॉन्ड्स डॉक्टर अदील को देता ही नहीं। मैंने ये ऑप्शन तुम्हें दिया ही नहीं। तुम बॉन्ड दे चुके हो और प्राइस निकल चुका है। एग्जैक्टली तुम एक चोर की पोजीशन में हो। अब तुम बताओ कि क्या करोगे? जरा वैसे चॉइस मुश्किल है। एक आम मिडिल क्लास आदमी महीने के 15,000 से 25,000 रुपए कमाता है, साल के 2.5 लाख रुपए और 10 साल के 25 लाख रुपए। इसी तरह 40 साल में वो 1 करोड़ कमाता है। पूरी जिंदगी की कमाई से 4 गुना ज्यादा मिले हों और फिर उसको भी छोड़ना पड़े, ये बड़ी मुश्किल चॉइस है। सर वैसे इस मुश्किल सवाल का जवाब आज मिल ही जाएगा। हेलो, ठीक है, लेकिन उसको खबर ना हो बिल्कुल। हम बस आ रहे हैं हम। सर उसने प्राइस बॉन्ड्स चूज किए हैं। यानी कि पैसे का लालच मार गया उसे? नहीं सर, अपने लिए तो उसने उम्र कैदी चूज की है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने पैसे अतीक के अकाउंट में ट्रांसफर करने का कहा है। और ये इतना मेहरबान कौन हो सकता है? काफी मुश्किल फैसला था। अब आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ था? अतीक एक मामूली सी जॉब करते हैं, कि सैलरी बहुत कम है, जिससे ना तो घर का किराया दे पाते हैं और ना ही घरेलू जरूरियात पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कमेटी डाली थी और उससे मैंने प्राइस बॉन्ड खरीदे थे। मैंने सोचा कि शायद इसी से हमारी किस्मत खुल जाए। 3 साल में हर कुरानदाजी का इंतजार करती रही, लेकिन किस्मत थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन डॉक्टर अदील हमारे घर आए। उन्होंने 3 माह के किराए की डिमांड की। अतीक ने मेरे मना करने के बावजूद उनको प्राइस बॉन्ड दे दिए। मैंने इन्हें बताया भी कि अगले दिन कुरानदाजी की तारीख है। जब लिस्ट चेक की तो हमारा 5 करोड़ का इनाम निकला। अब पता नहीं ये मेरी किस्मत थी या डॉक्टर अदील की मौत, जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी और मैंने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। फरा तुम्हारे यहाँ? जी आंटी सो रही हैं। जी बेवकूफ औरत है, क्या बताऊं तुम्हें। अंकल आपने भी तो आंटी के साथ अच्छा नहीं किया ना। बेटा मैं भी क्या करता, पीछे पड़ी हुई थी, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अंकल अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत है तो मैं अपने भाई से मंगवा देती हूँ, लेकिन आप मुझे वो प्राइस बॉन्ड वापस कर दें। नहीं बेटा नहीं, उसी प्राइस बॉन्ड के ना खुलवाने की वजह से इतना फटा हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं। नहीं बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमने कुछ खाना पकाया हुआ है? बड़ी भूख लग रही है मुझे। जी अंकल आप घर जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा खाना बनाया वाकई। शुक्रिया। आप खाना खाएं, मैं बर्तन बाद में ले जाऊंगा। डॉक्टर अदील के मरने के बाद मैंने प्राइस बॉन्ड उनकी अलमारी से निकाला और अपने घर आ गई। मुझे लगा कि दोनों मियां बीवी की लड़ाई झगड़े की वजह से मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। वैसे भी मैंने फरा की फोन कॉल सुन ली थी जब वो एक लड़के से बात कर रही थी। हम अभी और इसी वक्त हैदराबाद जा रहे हैं। मुझे इस आदमी की शक्ल नहीं देखनी। अम्मी के घर गई तो ये शख्स वहां भी पहुंच जाएगा। तुम फौरन पहुंचो और पैसे भी लेकर आओ। और मैंने
इसी बात का फायदा उठाया। आपने ठीक सोचा था, अगर आप कभी सामने ना आते तो हम खुद आपको नहीं ढूंढ पाते। क्यों किया सानिया ये सब तुमने, क्यों? मैं किस्मत के खेल से तंग आ चुकी थी। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम छोटी छोटी ख्वाहिशों को तरसते हैं। तुम्हारे इन्हीं मामूली ख्वाहिशों ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। तुमने बहुत गलत किया है सानिया, बहुत गलत किया है। ये चेहरों का खेल है, चेहरों का मिस्टर अतीक। हर चेहरे के पीछे एक नकाब है।